चीन से आप जो जनता का रुझान है वो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल चीन के रानी तालाब पर मौजूद है और यहाँ पर भाई एक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो तस्वीर जो चीन में लगी हुई है तिरंगे के पास, यहाँ पर भाई क्या कुछ बदलाव तो है बीजेपी को देखने को मिला है, क्या कुछ इनका भाई कहना है कि हरियाणा में क्या कुछ चीजें हैं बताएंगे? राम राम मंत्री जी, तो सर हरियाणा में बीजेपी को बने हुए 9 साल हो चुके हैं और कल एक करनाल में बहुत बड़ी रैली रखी गई थी, वहां पर जो है सरकार ने अपने जो वायदे किए जो योजनाएं चलाई उनको गिनवाने का काम किया, लेकिन अगर आज भी ग्राउंड की रिपोर्ट की बात करें तो आपको क्या कुछ बदलाव लगता है? बदलाव तो है, देख लो ना, छोटे छोटे मतलब जो कर्मचारी हैं क्लास फोर के क्लास थ्री के उनको जबरदस्ती बसों में भर के ले जाया गया। अच्छा, जबरदस्ती ले जाया गया, कोई अपनी मर्जी से नहीं गया उस रैली में। अच्छा, क्योंकि सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया या इसके लिए अच्छा कहाँ की मतलब ये है सरकार वरकार कुछ नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है लोगों की और वो डिक्टेटरशिप उन लोगों ने चला रखी है, क्योंकि आज के समय में पूरे का पूरा चाहे वो किसान समाज है कबेरा वर्ग है चाहे व्यापारी वर्ग है सारा का सारा तो दुखी है, चाहे वो गृहिणी की बात आती है उसमें आप ये देख लीजिए 1100-1100 रुपये का सिलेंडर है, कहाँ 400 रुपये का सिलेंडर होता था, धीरे धीरे कहाँ तक रसोई का बजट इन लोगों ने बिगाड़ दिया, बाजार में ग्राहक नहीं है, दिवाली का मौसम है, लोग इंतजार करते हैं भी दिवाली का मौसम आएगा कुछ ना कुछ 2 पैसे हम कमाएंगे, लेकिन बाजार में ग्राहक नहीं है, उनमें पैसा नहीं है मार्केट में, उन लोगों ने ख़त्म सब कुछ कर दिया। और बताइए, तो सर जैसे सरकार बोल रही है कि भाई हमने इतने बच्चे जॉब पर लगवा दिए, ना कोई खर्ची पर्ची चल रही और बच्चों का पीछे पेपर वाला किराया फ्री कर दिया, हॉस्पिटलों में इलाज फ्री करवा रहे हैं। अरे कहाँ आपने देखा ना, एक इन्होंने एक नया रास्ता निकाल दिया, क्या बोलते हैं कौशल रोजगार 20,000 रुपये 18,000 रुपये में एक आदमी नौकरी करता है, 18-20,000 में रसोई का खर्चा नहीं चलता, वो अपने परिवार को कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे उनकी दवाई की बात है और की बात है कैसे मतलब वो कर पाएंगे, किताबें नहीं खरीद पाएंगे, तो बताओ कैसे कैसे घर चलेगा उनका 18-20,000 रुपये। तो जो रेगुलर नौकरियाँ थी वो तो इन लोगों ने खत्म कर दी, एक कौशल रोजगार का दूसरा करिए कौशल रोजगार का आप देख ना, जो आरक्षण की SC समाज की जो हिस्सेदारी होती थी 20% वो भी खत्म कर दी इन लोगों ने, तो SC समाज में पूरे का पूरा परेशान है इस सरकार को लेकर के। तो जो आने वाला इलेक्शन है 2024 में आपको क्या लगता है सर कि क्या कुछ बदलाव होगा हरियाणा में? बदलाव होगा मेरे अपना तो मानना ये है, जो आज हम मीडिया पे देख रहे हैं या आम जनमानस की बात सुन रहे हैं, हर आदमी के मुंह से एक ही बात निकल रही है, आने वाली सरकार कांग्रेस की। जी जी, तो भी देख सकते हैं। वैसे सर एक पिछले कल परसों रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि जींद जो है प्रदूषण में 2 नंबर पर आ चुका है, ये भी तो सरकार की कमी है। जैसे मैंने एक जगह देखा था कि इसमें जो है ना जैसे जब ये प्रदूषण का मामला होता है जैसे दिल्ली सरकार ने किया था वो जो है ना डेली की डेली पानी का छिड़काव करते हैं, उससे जो है रेत मिट्टी जो धुआं प्रदूषण जो उससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती है कुछ ना कुछ परसेंट, लेकिन वो मैं चीन में देख रहा हूँ यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार का और ये जिला प्रशासन का फर्ज ये बनता है कि वो मतलब रोजाना रूटीन में छिड़काव का काम करे ताकि कहीं ना कहीं प्रदूषण में कोई कमी आए। जी जी, तो भाई और भी जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बातचीत करेंगे, तो काम आपसे आप जिन से हो सर? ये कैथल से हो। तो सर आपको क्या कुछ लगता है, आप जींद में हुआ तो कैथल में भी आप लोग लगातार घूमते रहते होंगे, क्या कुछ बदलाव जो है हरियाणा में आपको देखने को मिल रहा है? बदलाव तो हर सरकार कोई भी सरकार आती है बदलाव करने की कोशिश करती है, बट मुझे जो लगता है मेरे नज़रिए से जो ये देश अटल जी का देश रहा है, राजीव का रहा है, नेहरू जी का देश रहा है, उन लोगों ने जो चलाया यहाँ तक पहुँचाया उन लोगों ने, और जो स्थिति आज से 9 साल पहले थी देश की उन लोगों ने मिलकर बनाया और यहाँ तक 9 साल में आया, मुझे नहीं लगता उन लोगों के बराबर ये सरकार काम कर पाई है, वो जो पिछले 65 साल थे और जो ये 9 साल थे वो जब देश आज़ाद हुआ तो वैसे स्थिति की देश की खाने को लाभ नहीं देता, और जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कमान आई है तो देश उमदा स्थिति में था, लाभ के नीचे, और कुछ अच्छे काम भी हुए जैसे आप
अपना कश्मीर में दबाव मिला के 170 लाख, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको सराहनीय कदम है। जो अन्य काम भी मोदी जी ने और गवर्नमेंट में उसमें क्या कुछ आपको लगता है वो सही किया गलत किया? करंसी चेंज में सिर्फ एक कोई भी सरकार का आदमी या विपक्ष का आदमी कोई भी डिबेट करना चाहते हैं करने को तैयार है। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही फायदा हुआ करंसी चेंज में, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो हमारी नकली हमारे देश को नीचे लाने के लिए सिर्फ वो डिस्ट्रॉय हुई है और कोई देश में इसका कोई फायदा नहीं। तो इसमें बड़ा भ्रष्टाचार था, एक बड़ा गोलमाल था जो साफ तरीके से। तो सर आने वाले 2024 में आपको क्या कुछ लगता है हरियाणा का रुझान किस तरफ जा सकता है? मैं तो कहता हूँ कि सत्ता हर 5 साल में बदलती है, सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी, जो 5 साल में बदलती तभी जाके हम लोग चेंज करेंगे। अगर हम एक ही दल की सरकार बार बार बनाते रहेंगे तो फिर वो एक अपने तरीके से देखते हैं, सीट लगा लो या कुछ भी लगा लो, काम होने चाहिए जनता की सरकार चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, जनता खुशहाल होना चाहिए, प्रदेश खुशहाल होना चाहिए, देश खुशहाल होना चाहिए, किसान। तो भाई आप देख सकते हैं इनका यही कहना है कि भाई कुछ काम अच्छे हुए हैं कुछ गलत हुए, लेकिन बदलाव होता रहता है। और भी जो तो सर हरियाणा में जो है बीजेपी को बने हुए 9 साल हो चुके और कल हरियाणा दिवस पर परसों उन्होंने जो 9 साल में किया है उसको गुणगान किया और बहुत बड़ी रैली भी हुई और जो बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे हैं अमित शाह जी वहाँ पर मौजूद थे, तो आपको क्या कुछ लगता है सर? भाई 9 साल में बीजेपी में करे जी आम आदमी तो है, अच्छा सब सरकारी कर्मचारी गई है उनको धक्के से ले जाया गया। 9 साल में बंदा तो एक बार खा दे रहा है, आज तक ना तो किसी की आई डी पूरी हुई है, ठीक है। दूसरी बात है ये काम की कम है, काम इनके किया हरियाणा में काम नहीं करता, कोई सा काम नहीं करा क्या, एक काम भी नहीं करा क्या, सारे लोग तंग करा के 1100 मिनट काम जो ये जैसे चीज भी 200 की थी वहाँ 500 की मार्केट सारी मार्केट का ये चाहे कितनी है पत्ते मारे जाओ आपकी तो भाई तुम बड़ी आपकी चीज। जैसे ये फैमिली आईडी वगैरह शुरू हुई थी ये क्या लगता है आपको, ये सही किया गलत किया? गलत लोग काम दे दिया, चाहे किसी कर्मचारी ने देख लो चाहे आंगनबाड़ी वाली ने देख लो ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने देख लो कलरका ने देख लो सब के सब हड़ताल आने वाले समय में कुछ आने वाले समय में तो भाई इनकी जड़ फाइल देगी या जनता हरित की इनकी औकात कर सकते जिस तक इनकी अकाउंट इन पौड़ी में पहना देख सकते हैं जो सीधी बात।